Please subscribe my channel for more videos. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है आखिर उनसे पूछा क्या जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जिसका इंटरव्यू हो चुका है वो नीचे कमेंट में बताए कि उसका इंटरव्यू कैसा हुआ है और आखिर उससे पूछा क्या गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि लास्ट ईयर तक जो सबसे टफ इंटरव्यू माना जाता था वो बीटेक का माना जाता था, लेकिन 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 वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। अब जो इंटरव्यू 2019 में हुआ है पूरा एक, आप कहोगे पता नहीं क्या मजाक हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखना, देखना कि आखिर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी पीवी में जो गर्ल्स का इंटरव्यू हुआ बीटेक में, आखिर उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया था, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके नाम का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड पूछा गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन भी यही पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हॉबी की बारी आई तो फ्रेंड्स, जब किसी ने बोला कि मैं पोएम लिखती हूँ तो उससे पोएम सुनी गई, और जब किसी ने बोला कि मैं ड्राइंग मेरी हॉबी है तो उससे ड्राइंग कराई गई, उसको एक पेपर और पेन दे दिया ड्राइंग करने को। तो फ्रेंड्स, आपसे जो मैंने पहले ही बोला था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज बीटेक के हिसाब से फिजिक्स या मैथ से नहीं पूछा गया। अगर पूछा गया मैथ से तो पूछा गया आखिर 0/5 क्या होता है, 5/0 क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप चौंक रहे होंगे, मैं सच बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बीटेक के इंटरव्यू में पीवी में गर्ल्स से पूछे गए हैं। फिजिक्स में से पूछा गया रेजिस्टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पूछी गई सिर्फ जीके पूछी गई। फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो पीवी में टीचर्स थे वो बीटेक के थे ही नहीं, वो पीवी के टीचर्स थे, और आगे भी जो इंटरव्यू होंगे वो ऐसे ही होंगे। और मे बी शायद बॉयज़ का इंटरव्यू जो REI में था वो थोड़ा टफ गया होगा। उसमें जो फैकल्टी इंजीनियरिंग के टीचर्स उसमें थे और उनसे क्वेश्चन पुटअप किए गए होंगे। अभी जो एग्ज़ाम्स के जो इंटरव्यू होने वाले हैं, चाहे BBA हो, चाहे BA हो, BCom हो, या BEd हो, या कोई भी इंटरव्यू हो गर्ल्स का पीवी में, तो उसमें यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। GK में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें पूछा गया फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, हमारा मेयर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो जहाँ तक मुझे पता है आप सबको पता ही होगा। पूछा गया सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, या फिर वुमेंस डे कब होता है, और जो अभी डे निकल कर गया है योगा वो कब होता है। तो जो योगा था उसमें से क्वेश्चन पूछे गए कि योग और योगा में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, जो आपके जो सर्टिफिकेट्स थे, मैंने पहले ही बोला था आपके सर्टिफिकेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपका इंटरव्यू है तो आप ध्यान से रख के जाएं, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंटरव्यू को उस तरफ मोड़ा जाए। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखा जाए। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला था, कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें। वो इसलिए नहीं ले रहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरव्यू बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि जो बच्चा है वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो कंफ्यूज हो रहा है या नहीं, वो कितना परफेक्ट आंसर दे रहा है, वो कितना इंस्टेंट आंसर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि अपना जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बिल्कुल हाई रखें, हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं। क्वेश्चन आगे आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो पूरी तैयारी कर कर जाएं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है तो कैसा हुआ है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।